जब आने के जो अंग्रेज रहा करते थे हम लोग के देश में शासन, मतलब बहुत सारे यहाँ पे घर है, यहाँ पे एक गांव बसा करता था। अंग्रेज का जो मार्केट लग रहा था ये सब अंग्रेज का सब मार्केट है, गांव है, घर है, यहाँ पर रहते थे पहले। जय श्री राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई के ब्लॉग में। और हम लोग आए हैं अमुअमन कैफेटेरिया अमुअमन। अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है। पार्क है ना, वाटर पार्क बना हुआ है, एक्चुअली हम लोग उसी गार्डन में अभी हैं फिलहाल में। हम लोग यहाँ पे थोड़ा, हम लोग का अंग्रेजी कमजोर है लेकिन हिंदी पढ़ लेते हैं मिला जुला के। और गाई जी, महात्मा गांधी जो चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे यहीं पे आके ख़त्म किए थे। यहाँ पे स्वच्छ भारत का यहाँ पे बैनर भी लगा है। बिहार स्टेट बिहार ऑलरेडी बहुत कोई इतना कचरा कर रहा है ना गाइस, उसको सुधारने के लिए सब बोर्ड लगा हुआ है। और गाइस सबको सपोर्ट कीजिए और कचरा ना फैलाइए यहाँ पे। गाइस आज हम आपको दिखाने वाले हैं पहले जब आने के जो अंग्रेज रहा करते थे हम लोग के देश में शासन करते थे, वो लोग किस प्रकार के घर बना के रहते थे। अभी हम लोग फिलहाल अमुअमन में है और आगे चलते हैं। अभी तो बोलना यही चाहेंगे गाइस क्योंकि हम भी बहुत एक्साइटेड हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो जो 80 से 85 साल पुराना वो पूरा बंगला है और आप सबको तो बंगला का पूरा रिवील कराते हैं और आप सबको तो दिखाते हैं वहाँ पर अभी क्या उस सब का कंडीशन है, आप सबको दिखाते हैं। तब तक बने रहिए वीडियो पर और फिर आगे चलते हैं। अभी गाइस यहाँ से आपको जाने का रास्ता का आप देख सकते हैं, यहाँ पावर प्लांट है यहाँ पर लाइन का और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है अमुअमन, जो कि यहाँ से जस्ट राइट साइड यहाँ पर रास्ता कटा हुआ है अंदर जाने का। और यहाँ से जस्ट साइड राइट साइड कटा हुआ है रास्ता और आगे चलिए आगे, यहाँ पर आपको यहाँ से रास्ता मतलब 50 से 60 मीटर आगे जाइएगा तो यहाँ से आपको सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाए। तो गाइज अभी हम लोग फाइनली आगे चल रहे हैं क्योंकि बहुत नज़दीक आ गए। यहाँ पर पीछे थोड़ा सा घर भी दिख रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरा पूरा इतना जंगल झाड़ी हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कोई कुछ रहता नहीं है। और यहाँ पर जो खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत आते हैं लोग घूमने फिरने। अभी देख तो बाबा का भोग यानी अंग्रेज का तोप, अंग्रेज इसके बाबा थे इसमें कोई शक नहीं है गाइस, अंग्रेज की औलाद है ये। आपको पता है गाइस इसमें अंग्रेज का औलाद कौन है, याद रखिएगा। और इसका चेहरा मिला लीजिए और इसका चेहरा मिला लीजिए, देख बात तो सही है ना, चेहरा कैसे मिल रहा है। पूरा यहाँ पर अंग्रेज के जमाने का जितना भी है तोप वोप यहाँ पर 5-7 को लगा हुआ है और यहाँ पर जितना भी है सब यहाँ पर जंगल झाड़ी से तोप चुका है, जो अभी उतना दिख नहीं रहा है फिलहाल। अभी आप सब और देखिए इसको बारीकी से दिखाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बारीकी से आप सबको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सब अंदर पूरा यहाँ पर सब भर चुका है। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली अंदर जा रहे हैं आप सबको दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिए कितना सब कांट वट लगा हुआ है और देखिए ये सब कितना सब लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसका अंदर देखिए कैसे घुसा जाता है, हम आप सबको दिखाते हैं। चलिए गाइस और ये देखिए अंदर घुसने का तरीका, अंदर घुसने का तरीका आप देख लिए ना, ऐसे ही अंदर घुसा जाता है। और इसको देखिए ही क्या बोले इसको, हम कुछ बोल नहीं सकते, आप समझ सकते हैं मामा का लड़का और फूफा का लड़का में कितना पड़ता है, कितना का चलता है आप सबको पता है। बात तो सही है। इससे आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे गाइस। आगे आप सबको देखिए यहाँ पर पूरा जंगल झाड़ी आप देख सकते हैं, अंदर इसके चलते हैं। देखिए गाइस अंदर बहुत सारा घर है, उस घर का आप सबको रिवील कराने आए हैं। यहाँ पे एक्चुअली में गाइस नमक सत्याग्रह जो आंदोलन था ना, जो चंपारण से स्टार्ट हुआ था, तो गाइस फाइनली ये लड़का आ गया यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं अंदर, अंदर पर मिलेगा बंदर, एक बंदर यहाँ पे भी है, बुलाएगा क्या? देख सकते हैं इस बंदर को याद रखिएगा। यहाँ पर अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना जंगल झाड़ी है, इसको जंगल झाड़ी के टप का हम लोग जा रहे हैं पूरा अंदर आप सबको दिखाने के लिए। गाइस देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जितना भी है बापू जी ने हमारे यहाँ पर बहुत सारे हम लोग इंडिया को आजाद ही दिलाने के लिए स्ट्रगल किए थे और नेकी के रास्ते पर चलने के लिए आप सबको बताते थे गाइस। ये तो हम क्या पूरा इंडिया वाले जानते हैं, एक्चुअली में बिहार वालों कुछ ज्यादा ही जानते हैं, आज जो पढ़े लिखे हैं तो वो तो और ज्यादा जानते हैं। अब इससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते, समझने वाला कोई सारा काफी होता है। उसी के सिद्धांत पे ये लड़का चलता है, देख रहे हैं ना, उसी सिद्धांत का लड़का अभी इसका नेचर से दिख रहा है। मारो हमको मारो, क्या कर रहा है अभी आपको पता चल गया। फाइनली उस घर के सामने आ गए जहाँ पर अंग्रेज रहा करते थे, जो हमारे वीर सिपाहियों ने यहाँ से मार के सबको खदेड़ दिया और फाइनली हम लोग आज़ाद हो चुके थे। जो कि यहाँ पर सबका बूट कैंप था, जो अंग्रेज का जो मार्केट लग रहा था ये सब अंग्रेज का सब मार्केट है, गांव है, घर है, यहाँ पर रहते थे पहले। तो चलिए गाइज हम लोग आगे चलते हैं और
यहाँ पर घुसने का ऑलरेडी गाइज यहाँ पर रास्ता ना दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कचरा, जंगल झाड़ी है यहाँ पे। आप एक बात बोले गाइज, साले सांप को ना काट ले, हम है ना रे भाई, यहाँ टांग का किले लेके चलेंगे तुमको। गांव में तो नहीं, जोक बहुत डसता है इधर, ये तो हमको पता है। सांप का तो डर नहीं है, लेकिन जो वो रेंग रेंग के जोक जो चलता है, खून पीता है ना, वो बहुत ज्यादा इधर मिलता है। और आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, संदीप यहाँ पे कुछ बताओ। गाइस देखिए, ये अंग्रेज द्वारा बनाया हुआ घर है। हाँ। और लगभग ये लगता है 100 साल पुराना घर है। और यह पे सब अंग्रेज माधर चूद रहता था सब। जो भोसड़ी वाला हम लोग के देश पे राज करता था, सोने के चिड़िया से कौन का चिड़िया बना के गया हम लोग के देश को। उस बेटी चोद साहब को भगाए हमारे गांधी चचा। सलाम है गांधी बाबा को, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र किया। यानी उनके हम आदर्श पे आज चल रहे हैं। और स्वच्छ भारत का अभियान शुरू करने वाले हैं हम लोग। देख रहे हैं, स्वच्छ भारत सब साफ करेंगे हम लोग, और ये सब कचरा काट के गिराएंगे। तो साफ करने वाला कब है? करेंगे, 1-2 करोड़ अकाउंट भी आ जाए पहले करेंगे। एक बात बोले, 1-2 करोड़ ना कभी आएगा ना ही कभी फरेश करेगा। कमाएंगे जिस दिन 2 करोड़ का, 200 करोड़ आएगा, पूरा साले को एकदम घर बनवाएंगे अपना। अच्छा। और गाय जी यहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ है दिखने? हाँ गाय, देखिए वहाँ पे जो तुप रख के चलाया जाता था, यहाँ पे लगा हुआ है। संदीप ये देख, तुप रख के तोप रख के जो चलाया जाता है ना, वो रखा हुआ है यहाँ पे। देखिए गाइस, जो यहाँ पे तोप रख के चलाया जाता है, वहाँ पे देखिए रखा हुआ है सामने। देख उस पर तोप रख के चलाया जाता है ना रे। हाँ, वो तोप का गाइस टायर है एक्चुअली। वहाँ पर तोप रख के उस पर सब कहीं इधर उधर लेके जाना होता था, तो उसी पर रख के लेके जाते थे सब अंग्रेज लोग। लेकिन अब ये सब तो हमारे इंडिया के कब्जे में है, और अभी इस सब के देखभाल हमारे नीतीश चचा जी, माननीय नीतीश चचा जी हमारे कर रहे हैं। आप सब देख सकते हैं हम लोग कितना अंदर खाड़ी में आ गए। अगर जो खुक पकड़ा ना गाइज तो हो गया, शुक्र मनाइए कहीं गलत जगह ना पकड़ी, खत्म। नहीं तो हम लोग आदत खराब हो जाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। चलिए गाइज आगे चलते हैं, आप सबको और इंटरटेनमेंट कराते हैं, और भी सारी ज्ञान की बातें आप सबको बताते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग उस जंगल से तो निकल गए मंगल करके, फाइनली हम लोग आ चुके हैं। ये क्या चीज है गाइज, हमको पता नहीं है। एक्चुअली में लग रहा है कुछ सामान वामान इधर उधर करने वाला है, कुछ दाने होने वाला है। और 1983 का ये ट्रैक्टर है, बहुत पुराना यहाँ पर ट्रैक्टर भी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम गाइस ऐसा देख रहे हैं ट्रैक्टर। और यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा सब ग्राउंड सब यहाँ पर तार से घेरा हुआ है, अंदर जाने को उतना अलाउ नहीं है। फिर भी हम लोग रिस्क लेकर घुस गए, क्योंकि सांप को जर से तो हम लोग को डर लगता नहीं है। हम लोग, आपको पता है हम लोग कैसा लड़के हैं, वायलेंट लड़के। और यहाँ पर आप सबको देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर घर, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब बहुत सारे यहाँ पे घर है। यहाँ पे एक गांव बसा करता था। आगे चलते हैं, आगे भी कुछ घर है, आप सबको दिखाते हैं। अभी उस घर का क्या कंडीशन है आप सबको ये भी दिखाते हैं। तब तक बने रहिए वीडियो में और साथ में जुड़े रहिए। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे सब पानी लगा हुआ है, वहाँ पे तो हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए गाइस हम इधर से दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे भी एक घर है जो कि उसका कंडीशन बहुत खराब है। यहाँ पे गाइस हम लोग जो आए हैं ना, यहाँ पे बहुत सारा पानी लगा हुआ है, इसलिए हम लोग अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे कंडीशन बहुत खराब है। इधर भी देखिए गाइस, इधर भी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा खंडर है। इस खंडर को दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि इधर पानी वानी तो नहीं लगा हुआ है। आगे यहाँ पे बहुत सारे क्या क्या होता है आप सबको तो पता है, क्योंकि ये थोड़ा गांव का नज़दीक पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत कुछ होता भी होगा, नहीं भी होता होगा, आई डोंट नो गाइज, ये तो हमको पता नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए ये घर का कंडीशन, देखिए ये घर का कंडीशन थोड़ा ठीक लग रहा है, समझ गए। और यहाँ पे और कुछ तो अब गाइज दिखाने के लिए है नहीं। तो गाइज आप सबको वीडियो बताइए कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, और अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक गाइज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लड़का डांस कर रहा है, 6 नंबर किसको बोला जाता है? 6 नंबर वाला ही लड़का है, 6 नंबर याद। खुशी का को मैसेज आया लगे, मतलब खुश होने, तो एक गुड न्यूज आया तो लगे डांस कर रहे हैं, एक गुड न्यूज वाला मैसेज आया तो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय हिंद और जय बिहार। ब्रदर कुछ कहना चाहोगे? गाइस आप लोग चैनल को लाइक कमेंट दबा के दबा के घुसा घुसा के सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी जोर से बजाइए कि सिल्वर नहीं गोल्डन प्ले बटन आ जाए।
थैंक यू थैंक यू। तू करे जा हो जा तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जय हिंद और जय बिहार।